क्या हुआ आचार्य? तुम सब जानते हो कुटिलता से अपने स्वप्न को पूरा करने का मेरा प्रण, किंतु अब भी कुटिलता से मेरा हृदय कलुषित नहीं हुआ। मेरा हृदय अब भी निर्मल है, इसलिए अखंड भारत को बनाने के मैंने सुप्रयास किए हैं, किंतु अब लग रहा है कि सत्ता के लालच में डूबे ये राजा मुझे चलने नहीं देंगे सुपथ पर, जब तक अखंड भारत का निर्माण न कर लो। कुचल दूंगा अपनी आत्मा की निर्मलता को अपने अंतर मन से। जानते हो एक सीधा साधा व्यक्ति कब बोलता है झूठ? जब उससे सच बोलने के सभी विकल्प छीन लिए जाएं। कुटिल मार्ग पर कब चलता है कोई? जब लोभी लोग सभी चलने के सुमार्ग बंद कर देते हैं उसके लिए, क्योंकि वे अपने अपने स्वार्थ से ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर सोच नहीं पाते मातृभूमि के लिए। याद है चंद्रगुप्त, एक बार मैंने तुम्हें गुरुकुल के एक कक्ष में बंद कर दिया था, तब कोई मार्ग ना देख तुम छत से होकर मेरे पास आए थे। ये होती है वांछित फल पाने के लिए सोच, नीति। लक्ष्य ही वहां तक पहुंचने के मार्गों और उपायों की सार्थकता को सिद्ध करता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य न्याय संगत है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग भी तुम अपनाओगे उसे तर्क संगत ही माना जाएगा। मार्ग की शुद्धता के लिए हट, मात्र अकर्मण्य बुद्धिजीवियों का निकम्मापन है, और मैं ना तो अकर्मण्य हूं और ना ही निकम्मा। आज भारत को तो वो सम्राट चाहिए जो एक केंद्र में एक सशक्त डोरी बनकर बांध सके सभी जनपदों, एक शक्तिशाली केंद्र, सशक्त सीमाएं पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ अखंड भारत। वन में प्राणी तभी तीतर बीतर भागते हैं जब कोई आंधी आने वाली हो। आचार्य, सारी सामग्री तैयार है, परंतु करना क्या है? प्रतीक्षा। सृष्टि के हर निर्माण में एक षड्यंत्र छुपा है। मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को नेवला। नियति ने किसके लिए कितने दिन लिखे हैं यह इस बात पर निर्भर है कि इनमें से कौन पहले किस पर वार करता है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। लगाम अपने हाथ में लेने की बारी आ गई है पुरुषदत्त। जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो, कब कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। आचार्य श्रेष्ठ, गुरुकुल के अपने भी कुछ नियमों का अपना महत्व होता है आचार्य सुरदेव, लेकिन हमारे गुरुकुल में नियमों से अधिक महत्व दिया जाता है उच्च शिक्षा को, योग्यता के अनुरूप शिक्षा को। इसीलिए तक्षशिला के आचार्यों ने हमेशा आयु से अधिक सीखने की क्षमता को महत्व दिया है। नियमों का सम्मान अच्छा है आचार्य सुखदेव, लेकिन व्यवस्था में अपवाद के लिए लचीलापन होना चाहिए। वैसे भी तक्षशिला बड़े बड़े राजाओं और धनियों के दान से चलने वाला ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां दान देने वालों को प्रसन्न करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। ये योग्य पात्रों को सर्वोच्च शिक्षा देने का केंद्र है और रहेगा।